आपके मन में होगा चुनाव में इस बार पूरी नज़रिया साफ नहीं हुई कि किसकी बनेगी सरकार, एनडीए के बहुमत से बन जाएगी या इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। इसी बीच इस प्रश्नों को लेकर पीएम मोदी ने दिया इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने किया मंजूर, जाने अब कब लेंगे शपथ। वैसे तो एनडीए की सरकार मिल रही है, एनडीए को 292 सीट और वहीं इंडिया अलायंस को 234 सीट, वहीं अदर को 37। वहीं बात किया जाएगा अगर अलग अलग सरकारों की तो 240 बीजेपी पाई है, वहीं 99 मतलब कांग्रेस पाई है, सपा 37 और टीएमसी 29 अलग अलग। तो किसी की सरकार तो बनी नहीं है, मतलब बहुमत किसी ने नहीं पाया। लेकिन आपको बता दिया जाए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट मंगलवार को साफ हो गए, इसमें भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार बनी का दावा किया है। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी 233 सीट अपने नाम करने के साथ साथ सरकार बनाने का दम भी भरी रही है। यही अगली सरकार बनाने में नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्र बाबू नायडू की टीडीपी का रोल अहम हो जाता है और बीजेपी कांग्रेस की नज़र इन्हीं पर टिकी है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट पूरी तरीके से हो गया था साफ, 233 सीट अपने नाम के साथ सरकार बनाने पर दम भरी। वहीं अगली चीज़ें यही थी कि नीतीश और जेडीयू पर पूरा निर्भर है कि आगे क्या होगा। अब तक के नतीजे के मुताबिक बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं और जबकि कांग्रेस ने 99 ही सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा को इस बार काफ़ी नुकसान हुआ। साल 2019 में लोकसभा चुनाव केंद्र में सत्तारूढ़ी पार्टी ने अपने दम पर 303 सीटों पर दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस उस चुनाव में 52 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में इस बार वह भले 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा ही कहा जा रहा। अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने दिए इस्तीफा। महाराष्ट्र में भाजपा के बुरे प्रदर्शन पर देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी ली है। महाराष्ट्र ने इंडिया गठबंधन से पीछे रहने पर देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा की पेशकश की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुई हार की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अजीत पवार के साथ मिलकर नतीजे और उसमें रही कमियों पर चर्चा करूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। उन्होंने बताया कि आम चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद अपने आवास पर बैठे के पश्चात मोदी ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात अपने पद की इस्तीफा देने के साथ कहा लोकसभा भंग करने की औपचारिक सिफारिश करने का फैसला किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा अपना इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति भवन जाकर उन्होंने राष्ट्रीय मुर्मू के समक्ष अपना इस्तीफा सौंपा। नई सरकार के गठन तक वह कार्रवाई प्रधानमंत्री रहेंगे और सरकार का कामकाज देखते रहेंगे। राष्ट्रपति ने भी उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई बुधवार को यहां बैठक शुरू हुई। पार्टी ने इस बार आम चुनाव पर 9 लोकसभा सीट जीती है।